ये कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत की कुछ गिने चुने कंपनियां ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रदर्शन कर पाती हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर स्टार्टअप्स की लहर दौड़ी है, इससे यही प्रतीत होता है कि कुछ समय में भारत का नया रूप हमें देखने को मिलेगा। और खासकर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स ने देश के बुनियादी ढांचे को इस तरीके से मजबूत करना शुरू किया है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ऐसी ही एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है भारत के एरोस्पेस स्टार्टअप अग्निकुल की तरफ से, जहां रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3D प्रिंटिंग स्टार्टअप्स वंदे भारत जैसी ट्रेन्स को प्रिंट करने का काम शुरू करेंगे। ये वाकई इंडियन रेलवे के सेक्टर में लिया गया अब तक का एक बड़ा फैसला है। ऑलरेडी ऐसे कई प्रोटोटाइप्स को 3D प्रिंटिंग के जरिए देश के अंदर बनाने का काम किया गया है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन सेट जैसा एक एडवांस कॉन्सेप्ट अब लाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, अग्निकुल भारत का वो स्टार्टअप है जिसने भारत के एरोस्पेस सेक्टर में कई बड़ी महारत हासिल की है, और अब इस कंपनी का कहना है कि अब भारत के अंदर ई टैक्सी, ई प्लेन, फ्यूचरिस्टिक हाइपरलूप और वंदे भारत ट्रेन जैसे नए कॉन्सेप्ट्स को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाने का काम शुरू करेंगे। लेकिन ये काम सेपरेटली एक नए स्टार्टअप के जरिए किया जाएगा जिसका नाम है फैब हेड्स ऑटोमेशन। ये स्टार्टअप लाइट कार्बन फाइबर का इस्तेमाल करते हुए 3D प्रिंटिंग के जरिए इन सभी मॉडल्स को तैयार करने का काम करेगी, जिसे टेस्ट करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। आसान भाषा में समझा जाए तो आज देश के अंदर करीबन 15 वंदे भारत ट्रेन सेट ऑपरेट की जा रही हैं। 70 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेन सेट को इसी साल चलाने की तैयारी है, और पूरे देश के अंदर चलने वाली वंदे भारत ट्रेन सेट्स को अलग अलग लुक्स और डिजाइन के साथ में तैयार किए जाने की भी बातें सामने आई हैं। ऐसे में इनका टेस्ट करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा अगर इनके प्रोटोटाइप्स 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर 3D प्रिंटिंग के जरिए एक ऐसी डमी ट्रेन को तैयार किया जा सकता है जिसका टेस्ट करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और इसमें कॉस्ट भी कम आने वाली है। और जैसा कि हमने बताया कि न सिर्फ वंदे भारत ट्रेन बल्कि ई टैक्सी, ई प्लेन और फ्यूचरिस्टिक हाइपर लूप को भी यहाँ पर 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाने की तैयारी शुरू की जा रही है। और अगर इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कारण की बात करें तो आज भी भारत काफी ज्यादा डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, चाहे वो हमारी खुद की बनाई हुई मेड इन इंडिया ट्रेन हो। रिसेंटली हमने देखा है करीबन 6.5 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है रशियन कंपनी को 120 वंदे भारत ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर करने का। इसके अलावा भारतीय कंपनी BHEL और टीटागढ़ वैगन्स को करीबन 80 वंदे भारत ट्रेन सेट मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। इसी के साथ में विदेशी कंपनी एल्स्टम और सीमेंस को भी 25 सेमी हाई स्पीड ट्रेन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। हमने 3 कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स विदेशी कंपनियों के हाथ में ऑलरेडी सौंपे जा चुके हैं। इससे पहले भी आने वाली नई वंदे भारत ट्रेन सेट्स के करीबन 40,000 व्हील्स का कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को सौंपा जा चुका है, और ऐसे ही हमारी खुद की मेड इन इंडिया कही जाने वाली ट्रेन्स अब विदेशी कंपनियों के साथ में तैयार की जा रही है। हालांकि ये सभी कंपनियां भारत के अंदर ही ट्रेन्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करेंगी, लेकिन अगर हमारे पास कोई एक ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे हम दूसरे देशों के लिए ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, तो ये वाकई हमारे देश के लिए गर्व की बात होगी। फिलहाल इन भारतीय स्टार्टअप्स की इस बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।